हेलो क्रिकेटर्स, आज मैं आपके लिए आरके की एक थाई और एक एल्बो लेके आया हूँ। सैफियर के नाम से दोस्तों हमारी ये थाई और एल्बो है। इसकी क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम थाई की बात करेंगे। दोस्तों थाई में हमने एक्सल सीट लगा रखी है। अंदर एक एक्सल सीट होती है, उसकी बैक साइड निटलोन होती है, जो इस थाई को अपने आप में बहुत ही अच्छी बना देती है। वेलग्रो देख सकते हैं दोस्तों, वेलग्रो कितनी अच्छी लगवा रखी है हमने। प्रॉपर तरीके से दोस्तों हमने सिलाई करवा रखी है, निकलेगी नहीं इसके अंदर से। एक इसका प्लस पॉइंट खास बात एक ये है दोस्तों, हमने जो ऊपर इसके लगवा रखा है, ये लगवा रखा है हमने कपड़ा, तो अगर किसी बंदे की कमर ज्यादा मोटी है या ज्यादा पतली है तो वो इसे आराम से बांध सकता है। लास्टिक में दोस्तों बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी लास्टिक बहुत छोटी हो जाती है, कभी कमर के हिसाब से लास्टिक बहुत पतली हो जाती है। तो दोस्तों हमने इस जगह कपड़े का यूज करा है कि कितनी भी मोटी कमर हो या पतली कमर हो, आराम से आप इसे बांध सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए दोस्तों, मैचिंग के साथ ही चीजें बनाते हैं हम, तैयार करते हैं। इसके ऊपर भी फाइबर का ही यूज करा गया है दोस्तों, हैवी फाइबर लगवा रखी है इसके ऊपर से। अंदर एक्सल की शीट है, काफी हैवी शीट होती है। अगर फाइबर ना लगवाएं तो भी बॉल लगने का कोई चांस नहीं है, बट फिर भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन में दोस्तों हम इसमें फाइबर की लगवा देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य दोस्तों प्रोटेक्शन पर ध्यान देना ज्यादा होता है, जिससे भी किसी भी क्रिकेटर के हमारे चोट ना लगे। यार पीछे ये पूरे पे टॉवल का यूज करा गया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कितनी हैवी शीट लगी हुई है। डिजाइन वगैरह सब प्रॉपर है इसमें। इस थाई में आपको मेंस, यूथ एंड बॉयज तीनों मिल जाएगा। और दोस्तों इसका जो मेटेरियल है ये ताइवान में बना हुआ है, क्योंकि हम नीचे का मटेरियल यूज नहीं करते, इसलिए इस थाई की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ऊपर ही है फ्रेंड्स। बट दूसरी कंपनी से आप तुलना करेंगे तो हमारी थाई के रेट दोस्तों आपको बहुत ही कम मिलेंगे। अब आते हैं एल्बो पे। दोस्तों जैसे आपने MRF की एल्बो देखी होगी, सेम वही एल्बो हमारी भी है, बट वो एल्बो काफी कॉस्टली है, हमारी उससे आधे रेट में मिल जाएगी दोस्तों। इसके पीछे टॉवल का यूज करा गया है, इसे भी टॉवल बोला जाता है दोस्तों, ये लास्टिक है। इस पे भी वही मेटल यूज करा गया है फ्रंट पे दोस्तों, जो थाई पे यूज करा गया है, ताइवान मेटल होता है। ताइवान और आपका लेबलॉन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत कम रेट का डिफरेंस होता है। शेफियर के नाम से ही दोस्तों हमारी ये एल्बो है, एवरमोर एक्सीलेंट आरके स्पोर्ट, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों। एल्बो के अंदर तक दोस्तों हमने फाइबर लगवा रखी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे पहले है दोस्तों। पैसे हमें चाहे कम मिल जाए, मगर सेफ्टी उनकी जरूरी है। बहुत ही कंफर्टेबल एल्बो है, लिटलॉन की बनवा रखी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे काफी सॉफ्ट, मतलब चुभनी नहीं चाहिए आपके हाथ में बिल्कुल भी। और दोस्तों बॉल लगने का इसमें 1% भी चांस नहीं होता, काफी हैवी दे रखी है। तो दोस्तों कैश लेगी आपको ये आरके स्पोर्ट्स की थाई और एल्बो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जोड़ करके बताएगा दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि हाँ कि हमें अपनी क्वालिटी में कुछ चेंजेस करनी चाहिए, तो प्लीज़ वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8449300698 पर मुझे बता सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारे बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं, ये नॉलेज ज़्यादा होती है, अलग अलग कंपनी का मेटेरियल वो यूज करते रहते हैं, अलग अलग चीज़ें यूज करते रहते हैं, तो नॉलेज उन्हें थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, तो हम भी अपनी क्वालिटी को उनके कहने पे थोड़ा और अच्छी करने की कोशिश करेंगे।
अपनी तरफ से दोस्तों हम कोशिश करते करते हैं कि कोई भी दिक्कत ना हो, बट आप चाहे कि भैया इसमें ऐसी चेंजिंग करो तो अच्छा लगेगा, उसमें चेंजिंग करो तो अच्छा लगेगा, तो दोस्तों वो भी कर सकते हैं। तो मैं लगेगा कि इस पर चेंजिंग करनी है तो हम वो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।